आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि अंग्रेजी में सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी वाक्य के सबसे जरूरी हिस्से ये हैं: सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या काम करने वाला, वर्ब यानी कि क्रिया या किया गया काम, ऑब्जेक्ट यानी वह जिस पर कि काम किया गया हो या फिर जिस पर काम का असर हो रहा हो। जैसे कि इस वाक्य को देखिए, राम थ्रोज अ बॉल, राम एक गेंद को फेंकता है। यहाँ काम करने वाला है राम, इसलिए सब्जेक्ट इज राम। किया गया काम है फेंकना, इसलिए वर्ब इज थ्रोज। जिस पर काम किया गया है वह है गेंद, इसलिए ऑब्जेक्ट इज बॉल। अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए हम इस तरह इन तीन शब्दों को पिरोते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई यानी सब्जेक्ट, गो यानी वर्ब और स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। जैसे कि ही इज स्लीपिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और वर्ब है स्लीपिंग, यानी कि वह सो रहा है, पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आज से जब भी आप किसी सरल वाक्य को सुने तो उसके अंग्रेजी वाक्य को जरूर याद करें और हो सके तो बोलें।